शुंभ ने हमें देख लिया है, अब हमारा यहाँ से भाग निकलना ही उचित होगा। धूम्रलोचन, इन्हें राजभवन में बंदी बना कर ले आओ और निशुंभ अन्य सभी देवताओं को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जो आज्ञा महाराज शुंभ। सैनिकों चलो। देवताओं को तो हम बंदी बना ही लेंगे, परंतु अमृत और देवियां कहाँ हैं? ये तो ज्ञात करना शेष है, ये अवश्य ज्ञात करेंगे। उसके लिए किसी भी उपाय का प्रयोग क्यों ना करना पड़े, हम करेंगे। धूम्रलोचन। शुम ने इंद्रदेव और वायुदेव को पुनः बंदी बना लिया, हमें उनको मुक्त कराना होगा। चलिए। नहीं सूर्यदेव, अभी यदि हम वापस लौटे तो शुंभ हम सभी को स्तंभित कर देगा। वो देखिए, वो अपने असुर सैनिकों को हमारी ओर भेज चुका है। हमें यहाँ से भागकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हमें कुमार कार्तिकेय और विघ्नहर्ता गणेश जी की सहायता की आवश्यकता है। चलिए सूर्यदेव, शीघ्रता करिए। पकड़ो इन सभी को, कोई देवता बचकर जा ना सके यहाँ से। इन्हें अपने अस्त्रों से आहत करो, जीवित बच जाए तो बंदी बनाकर महाराज शुंभ के समक्ष प्रस्तुत करो। ये बाण रुक कैसे गए? कुमार कार्तिकेय, अब हम सुरक्षित हैं। गणेश, देवताओं को अपने साथ ले जाओ और इन 10 असुर सैनिकों को मुझ पर छोड़ दो। गणेश जी कहाँ हैं? गणेश जी भी आए किंतु वो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? मैं यही हूँ सूर्यदेव। देवगण, आप सभी मेरे साथ चलिए और तब तक भैया इन असुरों को उचित पाठ पढ़ाएंगे। गणेश जी, हम भागकर आपके पास ही आने का प्रयास कर रहे थे। हमारे स्वर्ग लौटने से यहाँ तक के अंतराल में बहुत कुछ घटित हो चुका है। हम किसी सुरक्षित स्थान पर चलते हैं, फिर हम विस्तार से आपको सारी घटना बताएंगे। भैया और मुझे तो पूर्व से ही ज्ञात था कि शुंभ निशुंभ अधिक समय तक शांत नहीं रहेंगे। आप उचित कहते हैं सूर्यदेव, किंतु सर्वप्रथम हमें आप सभी को सुरक्षित करना चाहिए। आप लोग चलिए मेरे साथ, आप सभी मूषक जी पर आरूढ़ हो जाइए। मैं तो प्रभु का ही भाग नहीं उठा पाता हूँ, अब शेष देवता भी मुझ पर आरूढ़ होंगे। जब मूषक संसार की भलाई के लिए मुझे कितना कष्ट झेलना पड़ता है। इन
असुरों की चिंता मत कीजिए सूर्यदेव, भैया इनसे निपट लेंगे। आइए आप आगे बैठिए। हाँ चलिए वरुण देव, मैं पहले बैठ जाता हूँ। अरे अरे सूर्यदेव, मैं देखा, मैंने कहा था आपसे, आप पीछे बैठिए वरुण देव। ऐसा करिए, मैं बैठता हूँ। अरे अरे सूर्यदेव, मैं अरे संभालिए सूर्यदेव। अरे सूर्यदेव, गणेश जी आप इन्हें समझाइए, मैं प्रयास करता हूँ, पहले मैं प्रयास करता हूँ। मैं भी हूँ सूर्यदेव, मुझे प्रयास करने दीजिए। मैं बैठता हूँ। सूर्यदेव अच्छा, सूर्यदेव आप मैं शांत हो रहिए, मैं आगे पूछ रहा हूँ, मैं प्रयास कर। अरे ये नहीं, आप कोशिश करें। मैं भी चलिए मूषक जी। क्या हुआ गणेश, तुम अभी तक यहीं क्यों? सूर्यदेव, अग्निदेव, आप दोनों मेरे साथ आइए। गणेश, तुम वरुण देव को अपने साथ ले जाओ। भगवान आपका भला करे कुमार कार्तिकी जी। स्तंभ पे धोने के कारण अपार कष्ट में हूं मैं, और कुछ भी करने में असमर्थ हूं। इंद्रदेव नहीं, मित्र देवराज, इतना कष्ट सहने का क्या लाभ इंद्रदेव? तुमने मुझे प्रताड़ित करने के लिए विवश कर दिया है। दो प्रश्नों का उत्तर मांग रहा हूं। प्रथम, अमृत कहाँ है? और द्वितीय, कहाँ छुपी हुई हैं देवियां? इन दो प्रश्नों का उत्तर दो और बस मुक्त हो जाओ मेरी असहनीय पीड़ा से। निर्दयी नहीं हूं मैं इंद्रदेव, कदापि नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें प्रताड़ित करूं, तुम्हें और वायुदेव को। किंतु तुम्हारा मौन व्रत मुझे निर्दयता के लिए बाध्य कर रहा है, और कितना सहूंगा मैं? मेरी भी सहन शक्ति की कोई सीमा है ना। चलो, एक बालक की तरह हट मत करो, बता दो कहाँ है अमृत, और मुक्त हो जाओ इस बंधन से। कभी ना कभी तुम इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दोगे इंद्रदेव, हमारी शक्ति के समक्ष तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। प्रातः शुंभ, देखिए इंद्रदेव के अभी कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए कैसे अपना शीश लाकर आपके प्रस्ताव का स्वीकार करने का तो साहस कर रहा है ये। तब तो मैं विवश हूँ इंद्रदेव, तुम्हें और पीड़ा देने के लिए। प्रणाम पिताश्री। तो शुंभ ने इंद्रदेव और वायुदेव को बंदी बना लिया है। मुझे ज्ञात था कि वो शुंभ स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए पुनः आएगा, किंतु इस बार वो अपनी दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ चुका है।
भैया, शुंभ और उसकी सेना को पराजित करने के लिए हमें एक सशक्त योजना बनानी होगी। किंतु इससे पूर्व कि असुर हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करें, हमें इंद्रदेव और वायुदेव को तत्काल रक्षित करना होगा। ये असुर यहाँ तक पहुँच गए। इस असुर आक्रमण का आभास तो मुझे भी नहीं था भैया। देवताओं का पीछा करते करते ये असुर यहाँ कैलाश तक पहुँच गए। इन असुरों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। अब इन्हें उचित पाठ पढ़ाना ही होगा। कदाचित इन असुरों को ज्ञात नहीं, जहां वो आक्रमण कर रहे हैं वही पिताश्री ध्यान भी कर रहे हैं, और यदि उनके ध्यान में विघ्न आया तो इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। इन असुरों में से कोई शेष नहीं रहेगा। इन सभी की चिता यही, इसे शमशान में सज्जित करूंगा मैं। नहीं भैया, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इन असुरों में से कोई शेष नहीं रहेगा आज। नहीं भैया, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं गणेश, इन असुरों का अंत करने से क्यों रोक रहे हो तुम मुझे? क्योंकि भैया, यदि ये असुर इस शमशान तक पहुंच गए तो यहाँ जो कोलाहल होगा उससे पिताश्री का ध्यान भंग हो सकता है, और ऐसा हुआ तो इस असुर सेना को यहाँ पाकर यदि पिताश्री का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया और उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो ऐसा विनाश होगा जिससे सृष्टि संकट में पड़ जाएगी भैया, और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ गणेश, तुम सर्वथा उचित कह रहे हो। पिताश्री के ध्यान में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। नंदी जी, सूर्यदेव, वरुण देव, अग्निदेव, आप सभी यहां ऋषि मार्कंडेय के साथ रुकिए। मैं और गणेश आगे बढ़कर उन असुरों को यहां पहुंचने से रोकते हैं। जी कुमार कार्तिकेय। और यदि कोई असुर दोनों महादेव पुत्रों से बचकर आगे बढ़ने में सफल भी हुआ तो उसे महादेव के निकट पहुंचने से मैं रोकूंगा। अग्निदेव, वरुण देव, प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय युद्ध करने के लिए आगे जा रहे हैं, किंतु आवश्यकता पड़ी तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इन असुरों का सामना करेंगे हम, उचित पाठ पढ़ाएंगे इन्हें। चलो भ्राता गणेश। जी भैया। असुरों को वहीं रोकने का कुछ उपाय करना चाहिए। हाँ गणेश, यही उचित होगा। यदि आगे ही नहीं बढ़ सकेंगे तो पिताश्री के ध्यान के खंडित होने की भी संभावना समाप्त हो जाएगी। हाँ भैया। Yeah!
ये क्या, गणेश जी और कार्तिकेय जी के बाण लक्ष्य से चूक गए? किंतु ऐसा तो पूर्व में आज तक नहीं हुआ। इन्हें तो अपने बाणों से लक्ष्य साधना भी नहीं आता। हम पर प्रहार करने के स्थान पर इनके बाण धरती में आ धसे। इन दुर्बल देवताओं से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो, नष्ट भ्रष्ट कर दो इन देवताओं को। असुर महानायक शुंभ की जय। 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 ये क्या हो गया? ये धरती तो दो भागों में बट गई है। हम नीचे गिर रहे हैं, बचाओ। ये कैसा संकट है, हम नीचे गिर रहे हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय ने इस समस्या का समाधान कर दिया। हाँ सूर्यदेव, अब यह असुर सेना यहाँ पहुंचने में असमर्थ हो गई है, और इसलिए महादेव के ध्यान में अब कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। पुनः छल किया इन देवताओं ने, यहाँ धरती को ही दो भागों में बांट दिया। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? भैया, अब तो ये असुर सेना वहीं रुकने पर विवश हो गई। यही उचित अवसर है भैया, हमें स्वर्गलोक जाकर तत्काल इंद्रदेव और वायुदेव को मुक्त कराना चाहिए। उचित है गणेश। कुमार कार्तिकेय, प्रथम पूज्य गणेश जी, अब आप निश्चिंत रहिए, अब इन दुष्टों को हम संभाल लेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे न। चलिए भैया, हमें शीघ्र स्वर्ग पहुंचना चाहिए। स्वर्गाधिपति शुंभ की सेना इन तुच्छ बाधाओं से रुकने वाली नहीं है। मैं अभी इस बाधा को पार करता हूं। देवताओं, अब मुझसे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? आश्चर्य, ये दुष्ट तो एक ही छलांग में यहाँ पहुंच गए। आज से इन बाधाओं को मिटा देंगे। असुर महानायक के आदेश का पालन करेंगे। देवताओं को बंदी बनाएंगे। सावधान देवताओं, असुर सेना की शक्ति का सामना करने के लिए गणेश, इन्हें रोकने का कोई अन्य उपाय करना होगा हमें। हाँ भैया, कदाचित इनकी शक्ति को हम कम आग बैठे थे, किंतु हम इन्हें शमशान तक कदापि नहीं पहुँचने देंगे। एक ओर यहाँ असुर आक्रमण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंद्रदेव और वायुदेव भी संकट में घिरे हैं। मुझे कोई ऐसी युक्ति ढूंढनी होगी जिससे कैलाश, इंद्रदेव और वायुदेव तीनों की रक्षा कर सकूं। दुष्ट असुरों, गणेश जी से पार पाना इतना सरल नहीं है। ये मोर पे कौन आ रहा है? सतर्क हो जाओ सब। लगता है ये देवताओं का आक्रमण है, उसके हाथ में धनुष भी है। Oh!
असुर सेना रूपी ये संकट तो टल गया। विघ्नहर्ता गणेश जी और कुमार कार्तिकेय ने रोक दिया इन असुरों को। गणेश, अब यहाँ की चिंता तो दूर हुई, इसीलिए अब हमें इंद्रदेव और वायुदेव की रक्षा करने जाना चाहिए। हाँ भैया, आप आगे बढ़िए, मैं मूषक जी पर आरूढ़ होकर आपके पीछे आता हूँ। अब हम सुरक्षित हैं गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, अब आप प्रस्थान कीजिए। हम यही ऋषि मार्कंडेय जी के साथ स्थित हैं। चलिए मूषक जी। ये कैसी ध्वनि है? मुझे ऐसा आभास क्यों हुआ कि संकट अभी शेष है? एक बार पीछे मुड़कर देख लेता हूँ। ये असुर तो अभी भी शेष है और देवताओं की ओर बढ़ने के लिए छलांग लगा रहे हैं। इस असुर सेना का अंत नहीं हुआ अभी। नहीं भैया, आप पीछे मत लौटिए, आप आगे बढ़िए। भैया, हमारा प्रयोजन तो बहुत बड़ा है, संसार को शुंभ और निशुंभ के आतंक से मुक्त कराना है हमें। इसलिए इंद्रदेव और वायुदेव को मुक्त कराने के साथ हमें शुंभ को माता के समक्ष जाने के लिए प्रेरित करने की योजना को सफल करना है। इसके लिए आपको तो आगे जाना ही होगा भैया। किंतु गणेश, ये असुर तो पुनः आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहे हैं, मुझे यहाँ रुक कर इनका सामना करना चाहिए। भैया, मैं इन्हें संभाल लूंगा, इनके कारण अब और विलंब करना उचित नहीं। हमारी योजना तो आपको भी ज्ञात है भैया, इसलिए आप आगे बढ़िए और उसे सफल कीजिए, क्योंकि जब तक शुंभ निशुंभ का अंत नहीं होता, असुरों का संकट तो बार बार उत्पन्न होगा। मेरा मन तो नहीं मान रहा है गणेश, किंतु तुम उचित कहते हो, हम यहाँ और समय नहीं गंवा सकते, इसीलिए मैं जाता हूँ। अब देवताओं की रक्षा कैसे करोगे तुम? बुराई का अंत सदा बुरा ही होता है शुंभ, इसलिए अभी तुम हमें कितने भी कष्ट क्यों ना दे लो, किंतु तुम्हारी दुष्टता का अंत अवश्य होगा। अरे अरे भैया, भैया इतना प्रताड़ित मत करो लाचार देवताओं को, कहीं इनके प्राण इनसे विलग ना हो जाए। मूर्ख असुर, तुम अति कर रहे हो और तुम्हारी इस जाति का बहुत भयंकर दंड मिलेगा तुम्हें। इंद्रदेव, 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 व्यर्थ है तुम्हारा हठ, तुम ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो कि तुम सब कुछ खो चुके हो? तुम्हें ज्ञात है ना, स्वर्ग पर मेरा इस असुर महानायक शुंभ का अधिकार है। कुछ भी कर लो तुम, परंतु पुनः स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते हो तुम। तो व्यर्थ में ही इतनी ताड़ना के भागीदार क्यों बन रहे हो तुम? क्यों? अच्छा है इंद्रदेव, अच्छा है, बहुत अच्छा है। यदि तुम यही चाहते हो तो यही होगा। तुम्हें प्रताड़ित करने के लिए बहुत समय है मेरे पास, बहुत समय, पर मैं थकूंगा नहीं। पर तुम्हें अपने कष्टों से मुक्ति चाहिए, तो बताओ कहाँ है अमृत? अमृत। भ्राता शुंभ, कदाचित आपके स्तंभन के कारण ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इन्हें स्तंभन से मुक्त करना होगा, तभी बेचारे कुछ बोल पाएंगे। उचित कह रहे हो तुम भ्राता निशुंभ। मुक्त हो जाओ स्तंभन से।
दुष्ट शंभ, तुम कितने भी प्रयत्न क्यों ना कर लो, मैं अमृत को तुम्हारे हाथों में कभी भी बढ़ने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। मैंने तुम्हें मुक्त नहीं किया ताकि तुम मुझे उलाना दे सको। स्तंभन अभी तुम पर तनिक भी दया नहीं करूंगा, तुम्हारी पीड़ा बढ़ती जाएगी परंतु तुम्हारा अंत नहीं होगा। तनिक मैं भी तो देखूं कि कब तक इस पीड़ा को सह सकोगे तुम। अब तुम मुझसे सुरक्षित नहीं। ये असुर तो गणेश जी की ओर बढ़ रहा है। मूर्ख असुर, सुरक्षित तो तुम नहीं हो। ये क्या, टिड्डियों के दल की भांति आकाश मार्ग से ये असंख्य असुरों की सेना एक बार पुनः हमारी ओर बढ़ रही है। असुरों, यदि युद्ध चाहते हो तो वही करूंगा मैं, किंतु तुम्हें आगे कदापि नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें अपनी शक्तियां प्रदान करती हूं। महादेव पुत्र, प्रथम पूज्य गणेश जी के इस योद्धा अवतार का सामना कहां कर सकेंगे ये असुर? हाँ सूर्यदेव, गणेश जी की शक्ति और उनका युद्ध कौशल तो अद्भुत है। हम यहाँ खड़े खड़े गणेश जी को इन असुरों से अकेले युद्ध करते हुए नहीं देख सकते, हमें आगे बढ़कर उनकी सहायता करनी चाहिए। रुक जाइए सूर्यदेव, इन असुरों के साथ तो मैं भी युद्ध करना चाहता हूँ, किंतु कुमार कार्तिकेय और गणेश जी का आदेश था कि आप देवताओं को यहीं शमशान में रुकना चाहिए। ये असुर तो आप देवताओं को बंदी बनाने के आशय से ही यहाँ आए, और वैसे भी पार्वती नंदन गणेश जी को किसी की सहायता की आवश्यकता कहाँ है? ये कैसी ध्वनि आ रही है? यह असुर सेना तो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई, वो तो पुनः आ रहे हैं। इन्हें कैसे रोकेंगे गणेश जी?
और युद्ध के इस कोलाहल के कारण यदि मेरे प्रभु का ध्यान भंग हो गया तो फिर अनर्थ हो जाएगा। आज सभी बाधाओं को मिटा देंगे, असुर महानायक के आदेश का पालन करेंगे, देवताओं को बंदी बनाएंगे। ये असुर गणेश जी को छोड़कर देवताओं को लक्षित कर यहाँ शमशान की ओर बढ़ रहे हैं। कदाचित उन्हें ज्ञात नहीं कि महादेव भी यहीं हैं। और यदि उनका ध्यान भंग हुआ तो उनकी विनाश लीला से कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं महादेव का भक्त, माँ जगत जननी का सेवक, रोक दूंगा इस सेना को। नहीं छोड़ेंगे हम, महाराज शुंभ के यहाँ ले जाएंगे। दुष्टों, महादेव का प्रधान सेवक हूँ मैं, तुम उससे पार नहीं पा सकोगे। कोई भी हो, हम तो सुरक्षित नहीं, सभी बाधाओं को नष्ट करेंगे हम। नंदी जी से बढ़कर कुछ असुर इस ओर भी बढ़ रहे हैं। सावधान रहिए अग्निदेव, वरुण देव, अब हमें भी अपना पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। ऋषिवर, हमें इन असुरों का सामना करना ही होगा, इसीलिए कुछ समय के लिए आपको अकेला छोड़ने की अनुमति दीजिए हमें। आप सभी तो देवता हैं, दुष्टों का विनाश करना तो आपका दायित्व है, आपको आपके कर्तव्य से नहीं रोकूंगा मैं, इसलिए आप अवश्य जाइए। धन्यवाद ऋषिवर। ये देवासुर संघर्ष तो और भी भीषण होता जा रहा है। नदी के तट जो असुर हैं, उनका अंत गणेश जी कर रहे हैं, किंतु अब ये जो असुर आ रहे हैं ये तो सीधे शमशान की ओर बढ़ रहे हैं, और अब युद्ध महादेव के चारों ओर हो रहा है। यदि इनके कारण महादेव अपने ध्यान से बाहर आए तो वो अनर्थ हो जाएगा। पुत्र गणेश, सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव और नंदी अपना संपूर्ण सामर्थ्य झोंककर असुरों से युद्ध कर रहे हैं, किंतु शुंभ के स्तंभन ने देवताओं की शक्ति क्षीण कर दी है, इसीलिए देवता अपनी संपूर्ण शक्ति से असुरों से युद्ध कर उन्हें रोकने में असमर्थ हैं।
अब मुझे ही उनकी सहायता करनी होगी। तुम सभी का अंत करना है। अंत हमारा नहीं तुम्हारा होगा सूर्यदेव। इस दुष्ट का प्रहार कैसे रोकूं मैं? तुम चारों ओर से घिर चुके हो सूर्यदेव, अब तुम हमसे सुरक्षित नहीं। हमारी शक्ति का ह्रास अवश्य हुआ है, किंतु इतना भी नहीं कि तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। ये क्या? ये असुर तो महादेव की ओर ही आ रहा है। ये क्या कर दिया मैंने? इस असुर को महादेव की ओर फेंक दिया। ये असुर तो महादेव से टकराने जा रहा है। असुर यदि पिताश्री से तनिक भी स्पर्श कर गए तब तो महा अनर्थ ही हो जाएगा।